मैं रेणु मिश्रा, आपकी कक्षा चौथी की हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल का अध्ययन और अध्यापन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको काल की परिभाषा, काल के भेद उदाहरण सहित समझाने का प्रयत्न करूँगी। बच्चों, काल का मतलब होता है समय, और उसको अंग्रेजी में टेंस बोलते हैं। आइए काल को समझने का प्रयत्न करते हैं। तनु मुंबई जा रही है, तनु मुंबई जाएगी। बच्चों, यहाँ तीन वाक्य में आपने देख रहे हैं कि पहले में है तनु मुंबई गई थी, यानी कि तनु मुंबई चली गई थी। दूसरे वाक्य में है तनु मुंबई जा रही है, यानी कि वो वर्तमान समय में है, अभी वो जा रही है। और तीसरे वाक्य में है तनु मुंबई जाएगी, यानी वो आगे के समय के लिए बताया जा रहा है कि तनु मुंबई जाएगी। आइए और उदाहरण के साथ समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया, हेमा और नमित पढ़ रहे हैं, हम कल फुटबॉल खेलेंगे। तो बच्चों, आपने देखा उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में कर लिया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है, दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे समय का बोध हो रहा है, और तीसरे वाक्य में खेलेंगे से आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, यानी जो हमारे क्रियाएं जैसे होती हैं उसके अनुसार समय को काल कहते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो देखते हैं काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ समय होता है। काल हमें किसी कार्य के संपन्न होने का समय बताता है। काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया किस समय हुई है उसे क्रिया का काल कहते हैं। बच्चों, काल के प्रकार, काल के तीन भेद होते हैं। सबसे पहले है भूतकाल, भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय, वर्तमान काल यानी कि जो समय चल रहा है, और भविष्यकाल यानी कि जो भविष्य में आगे जो घटना घटित होगी उसको हम भविष्यकाल कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल को अंग्रेजी भाषा में पास्ट टेंस से भी हम जानते हैं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। भूतकाल क्रिया का वह रूप है जिससे बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया बीते समय में घटित हुई थी उसे हम भूतकाल कहते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों कि भूतकाल का उदाहरण क्या है। जैसे मैंने खाना खा लिया, यानी कि मैंने जो खाना है वो खा लिया, मेरा खाना ख़त्म हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, लड़का जा चुका था, यानी हम जिस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का जा चुका था, तो यहाँ भी भूतकाल का परिचय मिल रहा है। फिर तुमने अच्छा गाना गाया, यानी कि जिसने भी गाना गाया वो गा चुका है, तो उसके बारे में तारीफ की जा रही है कि तुमने अच्छा गाना गाया, तो यहाँ भी भूतकाल का परिचय मिल रहा है। अब नेक्स्ट है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि जो घटना समय इस समय चल रही है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वर्तमान काल वह समय होता है जो समय चल रहा है। वर्तमान काल क्रिया का वह रूप है जिससे कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाता है, यानी कि
हम कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया चल रहे समय में हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कह सकते हैं। आइए वर्तमान काल का अभी उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं नृत्य सीख रही हूँ, यानी कि क्रिया चल रही है, तो यहाँ पे ये वर्तमान काल हुआ। फिर दूसरा है, मैं खाना खा रही हूँ, गणेश पत्र लिखता है, तो इन सारी क्रियाओं से ये पता चलता है कि समय चल रहा है, तो यहाँ वर्तमान काल हुआ। अभी थर्ड काल जो हमारा है, तीसरा काल, वो है भविष्य काल। आइए इसकी परिभाषा भी देखते हैं। भविष्य काल आगे आने वाला समय है। भविष्य काल क्रिया का वह रूप है जिससे ये ज्ञात हो कि कोई कार्य भविष्य में होगा, यानी क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि भविष्य काल को हम वाक्य में से कैसे समझ सकते हैं। जैसे गणेश पत्र लिखेगा, यानी ना ही वो लिख चुका है ना ही वो लिख रहा है, वो भविष्य में पत्र लिखेगा, गणेश पत्र लिखेगा, तो इस वाक्य से भविष्य काल में होने वाली घटना का परिचय मिलता है। फिर है हलवाई जलेबी बना रहा होगा, तो इस वाक्य से भी हमको भविष्य काल का परिचय मिलता है। तीसरा देखिए उदाहरण, तुम्हारा स्कूल खुल गया होगा, तो इस वाक्य से भी हमें भविष्य काल का परिचय मिलता है। आइए एक बार फिर से हम जो हमने पढ़ा है उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि काल क्या होता है। काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं, चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, और आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। बच्चों, काल से संबंधित यहाँ मैंने आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं, जिसको कि आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों, परीक्षा के दौरान आपसे काल की परिभाषा, काल के भेद, उसकी परिभाषा, और जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, उसके अनुसार भी परीक्षा के दौरान प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। वीडियो को अच्छे से देख के उसकी परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण सहित याद कर लीजिए। धन्यवाद।